हल्दुआनी में जहां एक और पीने के पानी की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है वहीं दूसरी ओर दूषित पानी पीने से लोग डायरिया से ग्रसित हो गए हैं स्थानीय लोगों का आरोप है कि लंबे समय से इलाके में दूषित पेयजल की सप्लाई हो रही है बावजूद इसके पेयजल संस्थान का कोई भी अधिकारी जनता की सुध लेने नहीं पहुँचा चार दिन ऐसी पानी नहीं है आ पांचवा दिन छठा दिन है ये बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है जो स्टॉक करा पानी होता है उसको ही हम लोग थोड़ी थोड़ी एक बाल्टी दो दो बाल्टी करके यूज कर रहे हैं बहुत ही गंदा आ रहा है आप जाके चल के टैंकियों बिल्कुल बिल्कुल पानी जैसे जैसे ये बाहर नाला है नाला की तरह न, न, बिल्कुल नीचे मिट्टी, मिट्टी बह रही है आरोप लगने के बाद संस्थान अधिकारियों के हाथ पाँव फूल गए हैं पेयजल मंत्री प्रकाश पंत ने दूषित पानी की सप्लाई की जांच करवाने की बात कहकर मामले को रफा दफा करते दिखे देखिए दूषित पानी आ, का जो जहाँ तक प्रश्न है इसके लिए 18 हमारे पास लैब हैं और लगातार हम उसका निरीक्षण करते हैं कतिपय स्थानों पर पाइपलाइन लीकेज होने के चलते हुए शिकायत आती है कंटामिनेशन ऑफ वाटर का जो प्रॉब्लम है वो केवल सरफेस वाटर जहाँ पर हम लेते हैं वहाँ पर है वहाँ पर फिल्टर इत्यादि लगाए गए हैं और ऐसी शिकायत मिलते ही त्वरित तो उसमें कार्रवाई की जाती है पेयजल संस्थान की लापरवाही स्थानीय जनता के लिए जानलेवा साबित हो रही है लेकिन विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा है पंजाब केसरी टीवी के लिए हल्द्वानी से तारा जोशी की रिपोर्ट